हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बाय द यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। अब इस मेथड में हमें ट्रायंगल के जो तीनों वर्टाइसेस होते हैं उसके कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या वो फॉर्मूला होता है जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सो अगर हमारे ट्रायंगल के वर्टाइसेस पता है, जैसे यहाँ पर मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया है और एबीसी के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पता है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। फर्स्ट रो में x1 y1 1, सेकेंड रो में x2 y2 1 और थर्ड रो में x3 y3 1। ओके, अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, सो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है जिसके वर्टाइसेस a 2, 1, b 1, 2 और c 3, 1। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हम ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ओके, सो पुट करने के बाद हमें यहाँ पर ये मिलता है। और अब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करूँ तो मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूँ। ओके, सो एक्सपांड करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा ये, यहाँ पर मैंने इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपांड करा है। ओके, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 × 2 − 3 − 1, −1 × 1 − 3 − 2, +1 × 3 − 6 − 3। ओके, अब अंदर वाली हम क्वांटिटीज़ को सॉल्व करें तो हमें यहाँ मिलेगा -2, ये हो जाएगा +2 और ये होगा -3। ओके, सो -2 से +2 कैंसिल और हमें यहाँ पर मिला -3/2। ओके, अब यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले के बाहर मैग्नीट्यूड का साइन लगा रखा है। ओके, तो जो भी वैल्यू है हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो आंसर वुड बी 3/2 स्क्वायर यूनिट। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।